everyone. In this video, we are discussing how to solve puzzles within few minutes for RRB PU and clerk. And this is our part 18. ये हमारा part 18 है. और जो ये हमने 500 puzzle की series start की है, आप लोग please सब help करिए. ज़्यादा से ज़्यादा इस video को share करिए अपने friends के साथ. और ताकि हम आपके लिए best content ला सकें. Okay, let's start the video. ठीक है, जैसा कि आज मैंने कहा था, आज हम डेट एंड मंथ्स वाली पजल एंड फ्लैट फ्लोर वाली पजल देंगे. तो देखते हैं, फर्स्ट पजल सॉल्व करते हैं. इंफॉर्मेशन है हमारे पास, 8 एम्प्लॉयज PQRSTUVNW आर गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग इन डिफरेंट मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑन द 7th एंड 20th ऑफ ईच मंथ. ठीक है, जुलाई, अगस्त, कौन सी दो डेट पे जा रहे हो? 7 and 20. 31st, 31st, ये मेंशन कर दिया दीजिए कि किसमें कितने डेज हैं. और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा अपना एक्स्ट्रा इन्फो के लिए, ये जगह है रफ के लिए. ठीक है, पॉसिबिलिटीज हमेशा 2 से 3 बना के चलनी है. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. Only one employee will attend the meeting on the given dates. Okay. Only 3 people will attend the meeting between Q and W. एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाना है, पहले सारी इंफॉर्मेशन को रीड करना है, क्या पता उन्होंने कुछ हमें दिया हो. ठीक है, W will attend the meeting in month having 30 days. ठीक है, देखो किसमें है 30 days, इसमें है. तो एक जगह W को मैंने यहाँ पे ले लिया, एक जगह यहाँ पे. और ऊपर वाली स्टेटमेंट में बताया था 3 लोग हैं Q और W के बीच में. 1, 2, 3 Q. P attends on a even date but not in October. ठीक है, P जो है even date पे है पर October में नहीं है. मतलब P के लिए एक जगह हमारे पास ये है और एक जगह ये है. अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं. 2 people will attend between P and S. ठीक है, P और S के बीच में 2 लोग हैं. ठीक है, अगर मैं देखूं कि एक जगह मेरे पास P के लिए ये है और एक जगह ये है, अगर मैं P को यहाँ पे रखती हूँ तो 1, 2, S यहाँ पे हमारा नहीं बैठ पाएगा. इसका मतलब यहाँ पे P नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता. तो P के लिए सिर्फ एक यही जगह दिख रही है, तो 1, 2, S. यहाँ पे क्यों नहीं रखा P को? क्योंकि W यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है और उन्होंने बता दिया कि 2 लोग हैं P और S के बीच में. यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक जगह Q है 20 में, एक जगह W है. अक्टूबर में P आ नहीं सकता, तो यहाँ पे सिर्फ एक यही बचती है जगह P के लिए. 1, 2, S यहाँ पे भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है. तो नीचे के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी और बना लेंगे. 3, W, 1, 2, S. पॉसिबिलिटीज बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका, हार्डली 3 से 4 सेकंड से लगेंगे. पर अगर आप ऐसे अज्यूम करते रहेंगे कि एक जगह मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, तो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, उसके बाद क्या, नॉट लेस देन 4 पीपल विल अटेंड बिटवीन S एंड T. ठीक है, 4 लोगों से कम नहीं है, मतलब 4 लोग से ज्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं बिठा सकते हम लोग. ठीक है, एस और टी के बीच में कहाँ पे बिठा सकते हैं हम? एस ये है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ही आएगा टी. और उन्होंने बोला नॉट लेस देन 4 से कम नहीं है, तो 4 से कम नहीं है तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, 4 से ज्यादा ही है मतलब. ठीक है, 4 से कम नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी, ये वाली 1, 2, 3, 4. इसे चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. अब यहाँ पे भी आ सकता है टी और यहाँ पे भी आ सकता है, देख लेते हैं. उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टी यहाँ पे आ गया. ठीक है, उसके बाद लिखा है टी अटेंड्स बिफोर एस. अच्छा, टी जो है एस के पहले है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत होगी क्योंकि टी जो है एस के बाद आ रहा है, मतलब ये वाली सही है. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिख लिया, क्योंकि उन्होंने बोला नॉट लेस देन 4. कई बच्चों के मन में होगा कि S और T के बीच में 4 का भी तो गैप हो सकता है, पर उन्होंने बोल दिया ना नॉट लेस देन 4, 4 से कम नहीं, तो 4 से ज्यादा ही. इसका मतलब 5 या 6, 7, 8,
ये हो सकता है, ठीक है, पर चार या चार से कम नहीं. यू एंड वी बोथ विल अटेंड द मीटिंग ऑन एन ऑड डेट. यू और वी जो है ऑड डेट पे हैं, तो यू और वी के लिए सिर्फ एक यही जगह दिख रही है. अभी हम सेट नहीं करेंगे, क्या पता आगे दिया हो. यू विल नॉट अटेंड इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, सॉरी बिफोर डब्ल्यू. यू जो है इमीडिएटली डब्ल्यू के पहले नहीं है, तो मतलब यू यहाँ नहीं आ सकता. यू यहाँ बिठा सकते हैं हम, और वी को यहाँ पे, और जो बच गया वो यहाँ पे. कौन सा बच गया? पी क्यू आर, आर बच गया ना, आर यहाँ पे. अगर मैं देखो, अगर मैं आप इस वाली पॉसिबिलिटी में टी को यहाँ बिठा भी देती, देखो टी को अगर मैं यहाँ पे बिठा देती, तो यू और वी के लिए हमारी कौन सी जगह बचती? यू और वी के लिए, यू और वी जो है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिठा भी देती हूँ टी को, कोई बात नहीं, तो यू और वी को उन्होंने बोला है कि ऑड डेट पे ही आएंगे, ऑड पे ही आएंगे. तो मतलब एक ये जगह बच रही थी, एक ही जगह बच रही थी यू और वी के लिए, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई थी पहले. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं. सिक्स पीपल ए बी सी डी ई एंड एफ लिव इन अ थ्री फ्लोर अपार्टमेंट बिल्डिंग विद टू फ्लैट्स अल्फा एंड बीटा. फ्लैट अल्फा इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बीटा. ठीक है, थ्री टू वन. ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, थ्री टू वन अल्फा और बीटा. ठीक है, ये डबल लाइन मैंने मार दी कि आपको समझ आ जाए. ये पॉसिबिलिटी वन है और ये पॉसिबिलिटी हमारी टू है. ठीक है, जब भी आपको ये मेंशन नहीं होता कि ग्राउंड फ्लोर वन है और टॉप मोस्ट थ्री है, तो आप हमेशा ग्राउंड फ्लोर को वन लेके चलना. ठीक है, डी डजंट लिव ऑन द फ्लोर ऑन द सेम फ्लोर एज ए. डी जो है ए के सेम फ्लोर पे नहीं है. फ्लोर कौन से है? फ्लोर ये वाले हैं हमारे, और फ्लैट फ्लैट ये वाले हैं. ठीक है, ये फ्लोर है, ये फ्लैट है. ओके, बी डज नॉट लिव एनी ऑन एन इवन नंबर फ्लोर. बी ऑड में है हमारा, ठीक है, इवन पे नहीं है. एफ डजंट लिव ऑन टॉप, एफ डजंट लिव ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर. एफ जो है बॉटम में नहीं है. ठीक है, अच्छा एक ये रह गया ऊपर से स्टेटमेंट. एफ लिव्स बिलो डी बट नॉट इन द सेम फ्लैट एज डी. एफ जो है डी के बिलो है बट सेम फ्लैट पे नहीं है. तो हम ऐसे बना सकते हैं कि बिलो है पर सेम फ्लैट पे नहीं है. ठीक है, सी लिव्स बिलो एफ इन द सेम फ्लैट. सी जो है बिलो एफ है इन द सेम फ्लैट, ऐसे हो गया. ठीक है, बी लिव्स अबव ए हु लिव्स इन फ्लैट अल्फा. बी जो है अबव ए है और ए जो है अल्फा में है. ठीक है, ई लिव्स बिलो एफ. ई जो है, ई कहाँ पे है? बिलो एफ है. ई जब बिलो एफ हो गया, देखो तो हम एफ को ग्राउंड पे तो हम एडजस्ट कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एफ को नीचे रख लिया तो ई कहाँ जाएगा हमारा. मतलब एफ को हमें सेकेंड फ्लोर पर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एफ के ऊपर भी डी है. तो एक जगह एफ को यहाँ पे रख लिया, एक जगह एफ को मैंने यहाँ पे रख लिया, और एफ और डी का फ्लैट अलग है, तो डी को मैंने एक जगह यहाँ पे रख लिया, एक जगह हमने यहाँ पे रख लिया. ठीक है, और एफ के जस्ट बिलो सी है, तो ऐसे ले लिया. ठीक है, उसके बाद क्या बोलता था? बी लिव्स अबव ए. ए जो कि अल्फा पे है, देखो ए अल्फा पे है. अगर मैं यहाँ पे ए अल्फा रख दूंगी, ये अल्फा है हमारा, ये बीटा है, तो बी कहाँ जाएगा हमारा? बी के लिए तो हमारे पास जगह बचेगी नहीं. इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत है. हमको ए को इन दोनों जगह पे कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा, और बी ऑड पे है, तो इसीलिए बी को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा और ए को हमें इन दोनों जगह पे कहीं पे सेट करना पड़ेगा. पर अभी हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता ए यहाँ पे आए या फिर ए यहाँ पे आए. ठीक है, उसके बाद बोला इन्होंने एफ डजंट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर. ठीक है, सी लिव्स बिलो एफ इन द सेम फ्लैट. बी लिव्स अबव ए हु लिव्स इन फ्लैट अल्फा. ठीक है, ई लिव्स बिलो एफ. हाँ, एक जगह ये बोला ई लिव्स बिलो एफ. अगर ए को यहाँ रख दिया तो ई तो यहाँ आ जाएगा, पर ई जो है एफ के बिलो है, तो ई यहाँ आ गया हमारा, ए यहाँ आ गया. पजल हमारी सॉल्व होगी. ठीक है, डी बी ए एफ ई सी. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.